बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमने प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, हमने इन नंबर्स का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे अमाउंट राइट किया 87.62। 87 को मल्टीप्लाई करना है 62 के साथ, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 का टेबल 7 तक रीड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएंगे 14। 2 7 द 14, 14 का 4 हम राइट करेंगे, 1 यहाँ पे कैरी देंगे। 2 8 द 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 17। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन राइट करेंगे, 6 7 द 42, 42 का हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 और यहाँ पे 4 हम कैरी दे देंगे। नेक्स्ट 6 8 द 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 52। अब हम ये नंबर्स ऐड करेंगे, 4 यहाँ पे राइट करेंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएंगे 9 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 3 और यहाँ पे हम राइट करेंगे 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5394। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 59.91। 59 को मल्टीप्लाई करना है 91 में, यहाँ पे हम 59 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 के साथ। सबसे पहले हम 1 का टेबल रीड करेंगे 9 तक, 1 9 द 9, 1 5 द 5, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन राइट करेंगे। नेक्स्ट 9 9 द 81, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 और 8 कैरी देंगे। 9 5 द 45, 45 में 8 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा 53। यहाँ पे अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 9 यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा 6, ये 3 यहाँ पे राइट करेंगे, नेक्स्ट हम राइट करेंगे 5, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5369। क्वेश्चन नंबर 3, 101.77। 101 को मल्टीप्लाई करना है 77 के साथ, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 द 7, 7 0 द 0, 7 1 द 7, मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन हम राइट करेंगे, 7 1 द 7, 7 0 द 0, 7 1 द 7। अब हम ये नंबर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 7, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7777। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन है 456.150। 456 को मल्टीप्लाई करना है 150 के साथ, यहाँ पे हम राइट करेंगे 456 मल्टीप्लाई 150। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 6 द 0, 0 5 द 0, 0 4 द 0, मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन हम राइट करेंगे, 5 6 द 30, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0 और 3 कैरी दे देंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 5 5 द 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे 28, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 और 2 कैरी दे देंगे। नेक्स्ट अब 5 4 द 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे 22। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई का साइन शो करेंगे, नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई का हम साइन शो करेंगे, 1 6 द 6, 1 5 द 5, 1 4 द 4। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0, यहाँ में 0 पे 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 8 में हम 6 ऐड करेंगे तो 14, 14 का हम 4 राइट करेंगे 1 कैरी। अब 5 में 2 ऐड करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 8, 4 में 2 ऐड करेंगे तो नंबर आ जाएंगे 6, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा 68400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, 372.84। 372 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 84 के साथ, यहाँ पे हम राइट करेंगे 372 मल्टीप्लाई 84, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 द 8,
फोर सेवन द 28, 28 का हम यहाँ पे राइट करेंगे 8 और 2 कैरी। फोर थ्री द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे 14। यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई का साइन। 8 टू द 16, 16 का हम 6 राइट करेंगे और 1 कैरी। अब 8 सेवन द 56, 56 में 1 ऐड करेंगे तो 57, 57 का हम यहाँ पे राइट करेंगे 7 और 5 कैरी। 8 थ्री द 24, 24 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 29। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 8, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 4 और 1 कैरी। 7 में 4 और 1 ऐड करेंगे तो 12, 12 का 2 राइट करेंगे और 1 कैरी। 9 में 1 और ये 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 11, 11 का 1 राइट करेंगे और 1 कैरी। 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 31,248। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अमाउंट है 762,309। 762 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 309 के साथ, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 762 मल्टीप्लाई 309। सबसे पहले हम 9 का टेबल 2 तक रीड करेंगे, 9 टू द 18 और यहाँ पे राइट करेंगे 8 और 1 कैरी। नेक्स्ट 9 6 द 54, 54 में हम 1 ऐड करेंगे तो 55, 55 का यहाँ पे राइट करेंगे 5 और 5 कैरी। नेक्स्ट 9 7 द 63, 63 में हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 68। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई का साइन शो करेंगे, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स के साथ, 0 टू द 0, 0 6 द 0, 0 7 द 0। अब फिर हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन डबल टाइम यहाँ पे शो करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 टू द 6 द 18, 18 का हम राइट करेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 कैरी। नेक्स्ट 3 7 द 21, 21 में ये 1 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 22। अब ये नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट करेंगे हम 8, नेक्स्ट हम 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5, 8 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 14, 14 का हम 4 राइट करेंगे और 1 कैरी। 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 15 का हम 5 यहाँ पे राइट करेंगे 1 कैरी। 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 और यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ पे आंसर है 235,458। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू है 2,468,111। 2,468 को मल्टीप्लाई हमने करना है 111 के साथ। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 18 द 8, 16 द 6, 14 द 4, 12 द 2। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे राइट करेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 द 8, 16 द 6, 14 द 4, 12 द 2। नेक्स्ट फिर हम डबल टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन राइट करेंगे, 18 द 8, 16 द 6, 14 द 4, 12 द 2। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 8, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 4 और 1 कैरी। 8 में 6 हम ऐड करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 19 का 9 और यहाँ पे 1 कैरी। नेक्स्ट हम 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, तो 13 का 3 और 1 कैरी। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1,357,123। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 1,357 मल्टीप्लाई 123। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल रीड करेंगे 3 का 7 तक, 3 7 द 21, 21 का अब हम 1 राइट करेंगे और 2 कैरी। 3 5 द 15, 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, 7 और 1 कैरी। 3 3 द 9 और 10,
जीरो और यहाँ पे वन कैरी। अब हम थ्री वन द थ्री और थ्री में हम वन ऐड करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा फोर। मल्टीप्लाई का ये साइन हम यहाँ पे राइट करेंगे। टू सेवन द फोर्टीन, फोर्टीन का फोर हम यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे वन कैरी। टू फाइव द टेन, टेन में ये वन हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएंगे इलेवन। इलेवन का हम यहाँ पे वन राइट करेंगे और वन कैरी। टू थ्री द सिक्स, सिक्स में हम ये वन ऐड करेंगे सेवन। टू वन द टू, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे टू। मल्टीप्लाई का यहाँ पे हम डबल टाइम साइन यहाँ पे शो करेंगे। वन सेवन द सेवन, वन फाइव द फाइव, वन थ्री द थ्री, वन वन द वन। अब हम ये नंबर ऐड करेंगे। वन यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे सेवन में फोर ऐड करेंगे तो हमारे पास इलेवन नंबर आ जाएंगे। वन राइट करेंगे और यहाँ पे वन कैरी। सेवन में वन ऐड करेंगे तो एट, एट में ये वन ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे नाइन। फाइव में सेवन ऐड करेंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व में फोर ऐड करेंगे सिक्सटीन। सिक्सटीन का यहाँ पे सिक्स राइट करेंगे, वन कैरी। थ्री में टू ऐड करेंगे फाइव, फाइव में हम वन ऐड करेंगे सिक्स और यहाँ पे हम ये वन राइट करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एट भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। 1572, 241, यहाँ पे हम राइट करेंगे 1572 मल्टीप्लाई 241। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स के साथ। 1 2 द 2, 1 7 द 7, 1 5 द 5, 1 1 द 1। मल्टीप्लाई का यहाँ पे हम सिंबल राइट करेंगे। 4 का टेबल अब हम रीड करेंगे। 4 2 द 8, 4 7 द 28, 28 का यहाँ पे हम राइट करेंगे 8, 2 कैरी। 4 5 द 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे 2 कैरी। 4 1 द 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डबल टाइम मल्टीप्लाई का साइन राइट करेंगे। 2 2 द 4, 2 7 द 14, 14 का 4 हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 कैरी। 2 5 द 10, 10 में हम ये 1 ऐड करेंगे 11 और यहाँ पे 1 हम राइट करेंगे और 1 कैरी। 2 1 द 2 और ये 1 ऐड किया तो यहाँ पे नंबर आ गया 3। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 2, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 का हम 5 राइट करेंगे 1 कैरी। अब यहाँ पे 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12, 12 में हम 5 ऐड करेंगे 17, 17 में 1 ऐड करेंगे 18, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 और यहाँ पे 1 कैरी दे देंगे। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8। 1 में 6 ऐड करेंगे 7 और यहाँ पे हम राइट करेंगे 3। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। अब हम ये डिवीजन के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे अमाउंट है हमारे पास 748 डिवाइडेड बाय 11। हमने यहाँ पे अमाउंट को राइट करना है 748 और इसको डिवाइड करना है 11 पे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 11 सिक्स द 66, 74 में से 66 को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे हम माइनस का साइन शो करेंगे। अब हम यहाँ पे 7 जो है वो 4 को कैरी देगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 14। 14 में से 6 को हम माइनस करेंगे, हमारे पास रिमेनिंग नंबर आएगा 8। अब यहाँ से ये जो 8 है ये 8 हम नीचे लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है। अब 11 का टेबल हम रीड करेंगे 8 तक। 11 8 द 88। अब हम 88 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 0। 748 डिवाइड बाय 11 तो आंसर होगा 68। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अमाउंट है हमारे पास 1125 डिवाइड बाय 9। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम रीड करेंगे सबसे पहले 9 का टेबल। 9 1 द 9, यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 की वैल्यू को तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा। 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग नंबर आएगा यहाँ पे 2।
अब यहाँ से ये टू हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम टेबल यहाँ पे रीड करेंगे 9 to the 18। 22 में से 18 को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 इसको कैरी देगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 12 और यहाँ पे ये रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 1। 12 में से 8 रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4। अब यहाँ से ये 5 अब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 45। 9 5 द 45। 45 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। 1125 डिवाइड बाई 9 का आंसर होगा 125। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन 3345 डिवाइड बाई 15। इसको अब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं अमाउंट 3345 डिवाइड बाई 15। 15 का अब हम यहाँ पे टेबल रीड करते हैं, 15 to the 30। 33 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से ये 4 हम यहाँ पे राइट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम फिर 15 का टेबल 2 तक रीड करते हैं, 15 to the 30। 34 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ से हम ये जो 5 है इसको 4 के साथ राइट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 45। 15 3 the 45। 45 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3345 डिवाइड बाई 15 का आंसर होगा 223। क्वेश्चन नंबर 4 7854 डिवाइड बाई 7। अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे 7 1 the 7। 7 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू 0 ही आएगी। अब हम यहाँ पे 8 राइट करेंगे, 7 1 the 7। 8 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग नंबर आएगा 1। अब हम यहाँ से ये 5 1 के साथ यहाँ पे राइट करेंगे, 7 2 the 14। 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएगा 1। अब हम यहाँ से ये 4 1 के साथ राइट करेंगे, 7 2 the, यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 7 2 the 14। 14 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास 7854 डिवाइड बाई 7 का आंसर होगा 1122। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, यहाँ पे वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 5 की 6136 डिवाइड बाई 54। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 52 को हम सॉल्व करेंगे 63 के साथ, तो यहाँ पे अब हम 52 1 the 52 राइट करेंगे। 61 में से 52 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 1 को कैरी देगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 11 और यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 5। 11 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएगा यहाँ पे रिमेनिंग 9। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 0। यहाँ से ये जो 3 है ये हम 9 के साथ इधर राइट करेंगे। नेक्स्ट फिर 52 1 the 52। 93 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 52 तो हमारे पास यहाँ पे 3 में से 2 रिमेनिंग वैल्यू इज़ 1। 9 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी 4। अब यहाँ से हम 6 1 के साथ यहाँ पे राइट करेंगे तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 52 को 8 के साथ, तो हमारे पास एग्जैक्ट ये नंबर आ जाएगा 416। 416 में से 416 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एट द एंड रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास 6136 डिवाइड बाय 52 का आंसर आएगा 118। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की 9801 डिवाइड बाय 81। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व करेंगे 81 1 the 81।
98 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 81, 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी रिमेनिंग 7। 9 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आएगी 1। यहाँ से हम ये जो 0 है ये 7 के साथ यहाँ पे राइट करेंगे। 81 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर आएंगे 162। अब हम इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 7 0 को कैरी देगा तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 10। 10 में से 2 रिमेनिंग वैल्यू इज़ 8, 6 में से 6 0 और यहाँ से 1 में से 1 0। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है 1 की, ये 8 के साथ हम यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे देखें 81। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 को 81 में से तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, 9801 डिवाइड बाय 81 का आंसर होगा 121। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन वैल्यू इज 6216 डिवाइड बाय 111। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 111 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 555। अब हम ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 621 में से, यहाँ से ये 2 1 को कैरी देगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 11। 11 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर आएंगे 6 और ये रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 1। अब ये 6 इसको कैरी देगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 11, यहाँ से ये रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 5। 11 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 6। 5 में से 5 रिमेनिंग वैल्यू इज 0, यहाँ से ये 6 हम यहाँ पे राइट करेंगे, 666 में से हम 666 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास 6216 डिवाइड बाय 111 का जो आंसर है वो है 56। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन अमाउंट इज, यहाँ पे अमाउंट है हमारे पास 54756 डिवाइड बाय 234। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 234 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 468। अब ये वैल्यू हम यहाँ से माइनस करेंगे, अब 4 7 को देगा कैरी तो ये वैल्यू बन जाएगी 17 और यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 3। 17 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आएगी 9। अब यहाँ से 5 3 को कैरी देगा तो यहाँ पे अमाउंट बन जाएगी 13 और यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी 4। 13 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे 7। यहाँ से हम 5 9 के साथ यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम 234 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आएगी 702। अब हम ये वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 3, 9 में से 0 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 9, 7 में से 7 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ से ये जो 6 है हम 3 के साथ यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम यहाँ पे 234 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 936। 936 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 936 में से तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास 54756 डिवाइड बाय 234 का आंसर होगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन वैल्यू है 14985 डिवाइड बाय 135। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम 135 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 135। अब हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पे 9 में से 5 माइनस किया रिमेनिंग वैल्यू इज 4, 4 में से 1 माइनस किया रिमेनिंग वैल्यू इज 1, 1 में से 1 माइनस किया तो रिमेनिंग वैल्यू इज 0। यहाँ पे अब हम 8 राइट करेंगे। अब हम नेक्स्ट 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास अमाउंट आएगी 135। अब हम इनको माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करें रिमेनिंग वैल्यू इज 3, 4 में से 1 माइनस करें रिमेनिंग वैल्यू इज 1, 1 में से 1 माइनस करें रिमेनिंग वैल्यू इज 0। अब यहाँ से ये 5 हम 3 के साथ राइट करेंगे
तो यहाँ पे हम 335 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 135 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 में से, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास 14985 डिवाइड बाय 135 का आंसर है 111। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, सबसे पहले हम राइट करेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल 1000। नेक्स्ट हम राइट करेंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल 99। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सो फाइंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सो फाइंड प्रोडक्ट, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाइकेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9 0 the 0, 9 0 the 0, 9 0 the 0, 9 1 the 9। मल्टीप्लाई का यहाँ पे हम साइन यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट अब हम 9 0 the 0, 9 0 the 0, 9 0 the 0 और 9 1 the 9। अब हम ये वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 0, नेक्स्ट हम राइट करेंगे 0, नेक्स्ट हम फिर राइट करेंगे 0, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 और नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे 9, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 99000। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, वी नाउ दैट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, सो अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 को 16 पे। तो यहाँ पे अब हम 16 6 96 राइट करेंगे, 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे एट द एंड हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 16। रिक्वायर्ड नंबर हासिल करने के लिए 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्जांपल 16 - 4 इज इक्वल 12। देन दस द रिक्वायर्ड नंबर इज 100 + 12 इज इक्वल 112। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, वी नाउ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब हम 999 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। तो यहाँ पे हम 24 for the 96। नेक्स्ट हम 99 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। और अब हम ये 9 यहाँ पे राइट करेंगे, 24 1 the 24। अब हम यहाँ पे 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 5। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास यहाँ पे 15 क्या है, रिमाइंडर है। अब हम नेक्स्ट राइट करेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है इज इक्वल 999 - 15। ये जो रिमाइंडर है इस 15 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 984। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा सोल्व।